Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. Pradhan Mantri Narendra Modi, Gujarat ke Narmada district mein, 31 October ko Sardar Patel ke 182 meter uchi statue ka anavaran karenge aur isi ka ek advertisement Incredible India ke dwara weekend pe release hua. Ye advertisement hum keh sakte hain ki bahut soch samajh kar banaya gaya hai party ka jo bhajpa ka emphasis hai Sardar Patel pe aur statue of unity pe usko maddenazar rakhte hue is advertisement ke zariye yuvaon ko bataya ja raha hai ki kis tarah Sardar Patel ne desh ko ekatrit kiya tha, unite kiya tha aur kis tarah desh unhe bhool chuka hai, unhe kuch nahi diya hai abhi tak desh ne. Isse BJP ye hint dena chahti hai ki Congress sirf apne heroes ko aage leke aaye hai aur Sardar Patel jaise logon ko bhool chuke hain. Iske piche bhajpa ke kafi rajneetik calculations hai. Pehli baat to ye ki bhajpa ki jab se Modi sarkar 2014 mein aayi hai, koshish ye rahi hai ki kaise wo Congress ke jo thode conservative strand of leaders the, chahe wo Madan Mohan मालविया हो या सरदार पटेल हो, उनको अप्रोप्रिएट करें. इसी कोशिश का एक यही हिस्सा है. इसमें पीएम मोदी की पर्सनल इन्वेस्टमेंट रही है. उन्होंने ही इसका फाउंडेशन स्टोन 2013 में जब वो मुख्यमंत्री थे तब ले किया था और 5 साल में उन्होंने ये स्टैचू तैयार किया है. दूसरा इसका बहुत ज़्यादा जो एक राजनीतिक कैलकुलेशन है वो ये है कि जो पटेल कम्युनिटी है गुजरात में, जो कि बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है पोलिटिकली और जिसका हमने देखा जिनकी नाराज़गी से भाजपा को 2017 के चुनाव में बहुत ही नुकसान उठाना पड़ा, इस कम्युनिटी को कैसे केटर किया जाए, पैंडर किया जाए. भाजपा की कोशिश है कि इस कम्युनिटी के यूथ को, जो डायस्पोरा है उसको, जिनका नेटवर्क अच्छा है, इस स्टैचू के जरिए उनकी तरफ एक आउटरीच किया जाए, उनको अपनी तरफ आकर्षित किया जाए. सरदार पटेल के फार्मर जो रूट्स थे वो भी भाजपा की एक कंसिडरेशन है. हम जानते हैं कि पार्टी की कोशिश ये रही है कि वो किस तरह से अपने आप को जन कल्याण और प्रो फार्मर पार्टी बताए. इसी के मद्देनज़र रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले हफ्ते एक सर छोटू राम की स्टैचू का भी अनावरण किया था जो कि जाट फार्मर लीडर थे. तो पार्टी की कोशिश है कि पटेल कम्युनिटी और फार्मर कम्युनिटी और साथ में यूथ को कैसे अपनी तरफ आकर्षित करें इस स्टैचू के जरिए और किस तरह का मैसेज जाए. तो यह भाजपा सरकार बताना कि इससे टूरिज्म बढ़ेगा, जॉब्स बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और रेवेन्यू बढ़ेगा जिससे कि यूथ को फ़ायदा होगा. तो हम कह सकते हैं कि जो ये एक स्टैचू है इसके पीछे कई कारण है भाजपा के इस तरह के पुश के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वयं के पर्सनल इन्वेस्टमेंट के. द प्रिंट के लिए रूही तिवारी.